बिल्कुल राजा जी बात से इसमें कोई शक शक अंदर का मतलब जो उसमें होगा उसको घेराएंगे। कांग्रेस को जानते नहीं हम तो उड्डान। राम राम भाई साहब, मैं थारा भाई धन राजा लात आ चुका हूँ माजरा में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे माजरा के ग्रामीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माजरा डी के। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? दिल्लू नाम है भाई। दिल्लू भाई साहब, आप माजरा गाँव से? हाँ जी। तो माजरा गाँव में क्या माहौल है आज के दिन? भाई कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस में भी कई उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, तो कांग्रेस में अगर उम्मीदवारों की बात करें तो किसको टिकट मिल सकती है? कौन टिकट? डॉक्टर रघुवीर सिंह का दंड मिल रही है। क्यों? और भी तो दावेदारी ठोक रहे हैं। पुराना लीडर है, पढ़े लिखे आदमी है, तजुर्बेकार आदमी है। अच्छा, क्या कारण है माजरा गाँव के लोग कांग्रेस को चाहते हैं? भाई दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और डॉक्टर रघुवीर सिंह का दंड पिछला इनका जो कार्यकाल रहा है उसमें काम करे है। क्या क्या काम हुए हैं? भाई सड़क वड़क थी सारी टूटी पड़ी थी, नई भी बनाई, रिपेयर भी करवाई। देखो ना आपके बुरा हाल हो रहा है। जो हालिया विधायक रघुवीर का जाना है उसे संतुष्ट हो पूरी? बिल्कुल। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? माजरा गांव में क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या क्या नहीं हुए हैं? जो अब विधायक है डॉक्टर रघुवीर सिंह का जान, उसे कितने संतुष्ट हो या नहीं हो? हम उससे संतुष्ट हैं जी। क्या कारण है संतुष्ट होने? जनता के भी काम किए हैं और सामूहिक काम भी किए हैं। माजरा गांव से कितने प्रतिशत वोट है कांग्रेस को जा सकते हैं? ये लगाओ कि 70-75% जाएंगे, क्योंकि इसे बीजेपी सरकार से लोग थक चुके हैं। विकास कार्य आपके गांव में हुए हैं या नहीं हुए हैं, और हुए हैं तो कौन कौन से हुए? चाहे गलियों की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें आपके एरिया की, तो रघुवीर सिंह कादयान ने क्या ये करवाए हैं? करवाए हैं भाई, खूब बढ़िया। पीने के पानी की समस्या रहती है बहुत से गाँव में, देखी गई है। नहीं भाई समस्या, कति बढ़िया काम करा रहे, कति बहुत बढ़िया काम, पूरी तरह संतुष्ट हो? कति संतुष्ट। राम राम जी। हाँ राम राम भाई, आपका शुभ नाम? राम सिंह भाई। राम सिंह जी, क्या बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? जो हालिया विधायक है डॉक्टर रघुवीर सिंह का ध्यान, उसे संतुष्ट हो या नहीं हो? बिल्कुल संतुष्ट हो। हाँ जी। बेरी हल्के की जनता किसे पसंद करती है? डॉक्टर रघुवीर नहीं करे। डॉक्टर क्यों? डॉक्टर रघुवीर ने एक तो रोजगार बहुत दिया है, एक बिजली की समस्या रह रही थी, नया या पावर हाउस डॉक्टर रघुवीर रख दिया, नहीं बनवाया था, जब पास हमारा बिजली की समस्या खत्म होगी। डॉक्टर रघुवीर ने तो बहुत काम करवाया है, महाराजा टेला दाम का रोड था इन्हें कटवाया, पलाना वाली सड़क इन्हें, बांस वाली सड़क इन्हें, और बहुत बड़का तक रोजगार भी दिवाया है। हुड्डा है यदि भूपेंद्र हुड्डा है, इनको भी चाहो है लोग, तो इसे सीनियर लीडर आने उन द्वारा भेजेंगे तो काम बढ़िया होंगे। नए बालक का अनुभव तो नहीं होता, जो बना के भेज देंगे, तो ये तो सीनियर लीडर है तो इसने तो वोट देंगे लोग ज्यादा। जो एक कहीं ना कहीं डॉक्टर रघुवीर सिंह ने बात कही थी कि जो नए उम्मीदवारों को विधानसभा के बाथरूमों का दरवाजा तक नहीं मिलेगा, वो बात? हाँ बिल्कुल राजा जी बात, इसमें कोई शक शक। राम राम जी। राम राम जी, आपका शुभ नाम? सुखबीर जी। सुखबीर जी, क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? बहुत सी पार्टियां हैं, चाहे इनेलो की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, यहां तक कि और भी जय राजपा, इस प्रकार की पार्टियां भी आई हुई हैं, तो विधानसभा में क्या देखने को मिलेगा? डॉक्टर रघुवीर सिंह कांग्रेस से। कांग्रेस। क्या कारण है आप डॉक्टर रघुवीर सिंह को इतना पसंद करते हो? कारण यह है जी, एक तो पुराना लीडर है और सब भाइयों को लेके चलता है, जो काम इसके जुम्मे का है उसको अपना समझता है। कांग्रेस ने सारे काम करवा दिए जी, पिछले माह गांव के 5 काम करवा दिए जी। एक तो यो हमारा स्कूल था जो यो प्लस 2 का, यो इसमें मॉडल स्कूल बनवाया डॉक्टर की मेहरबानी है। हाँ जी। और ये पावर हाउस बनवाया, और जितने हमारे रोड थे बेरी से हम ना आने के लिए जगह नहीं थी, इतने इतने खड्डे थे, वो बनवाया। उसका आज तक इस बीजेपी सरकार ने थेकली भी नहीं लागी है। रघुवीर सिंह का ध्यान से कितने संतुष्ट हो हालिया विधायक से? ऐसा है जी, हम तो दीपेंद्र के साथ ज्यादा सा ठीक है, और दीपेंद्र के भाई दीपेंद्र कहेगा उत्तर जी। दीपेंद्र उड़ा जो बढ़िया कैंडिडेट आ गया तो क्या जरूरी है हमने रघुवीर की गेर ली, दूसरा आ जाएगा उसकी गेर देंगे। दीपेंद्र का मतलब जो उसमें होगा उसको घेराएंगे। जैसा कि भाई साहब ने बताया, भाई दीपेंद्र की गल हाँ, टिकट किसान मिल जाओ भाई कांग्रेस से उड़े। हाँ न्यू कह दी पार्टी, आप अपनी राय दे दो इसके बारे में। पार्टी जिसको टिकट देगी उसकी। जो हालिया विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह का ध्यान से कितने परसेंट संतुष्ट हो? 100% नहीं, पूरी तरह संतुष्ट हो। संभव प्रयास करता है, लोगों की समस्या सुनता है, काफी एक्सपीरियंस है, पढ़ा लिखा है। आप लोगों के बीच में रहता है बीजेपी का? हाँ, दुख सुख में रहता है साथ,
और बीजेपी तो ना किसान ना जवान ना पहलवान कोई बख्शा नहीं, लठ मारे यहाँ तो बीजेपी का तो मतलब जो दीपेंद्र रघुवीर का दंड भाई साहब खिलाड़ी है कि किसान है सारा मदद करे, ये बीजेपी वाले बहन जो गुंडे है मारे लठी देखे नहीं पीछे, लड़की भी खिड़ा दी बता जो ओलंपिक में मेडल है सक्षम लीग उनकी भी जितनी करते क्या है ये दीपेंद्र ने खिलाड़ी चमकाए। डीएसपी एसपी योगर दत्त लगा लो चाहिए दूसरी पार्टी में है, डीएसपी बनाया सारे सुशील पहलवान सबकी इज्जत करें, ये तो फ्रेंड्स गुंडे। अब दो दिन पहले की बात है कहीं ना कहीं जो लोकसभा में उन्होंने आवाज उठाई दीपेंद्र हुड्डा ने कि जो खिलाड़ियों का पैसा वो हरियाणा के जो खिलाड़ियों का पैसा वो गुजरात के खिलाड़ियों को मिल जाता है, तो इसके बारे में क्या कहना आपका? गुजरात मोदी है ना इसलिए मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेके आते हैं यहाँ तक कि और जो उनका पैसा है उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो गुजरात के खिलाड़ियों को मिल रही है, ये तो भाई मोदी है इसलिए अपना दीप हरियाणा से जलते हैं कहीं ना कहीं ना इंसाफी हो रही है। देख लो पीछे कुछ नहीं हुआ इसका, अरे सारे पहलवानों को किसी केस लगा दिया किसी कुछ, वो भी घटिया है ब्रजभूषण, इसका भी कुछ नहीं बिगड़ा सरकार तक उसका बीजेपी में है ना इसलिए। भाई ढिल्लू आप ये बताओ जो यहाँ जो नौकरियों का मामला हमेशा उछलता रहा है इलेक्शन में, चाहे विधानसभा की बात करें यहाँ तक कि लोकसभा की बात करें, तो जब अब इलेक्शन आ चुका है तो बेरी हल्के के युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में कौन आगे आ सकता है, चाहे रघुवीर कादियान की बात करें चाहे बीजेपी से कोई बात करें, तो आप बताइए अपनी मतलब पसंदीदा किसे रूप में चुनना चाहोगे? बीजेपी से हमें कोई आस है नहीं, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा अगर इनका राज आता है तो रोजगार मैं आस रखती है पब्लिक, मतलब कहीं ना कहीं नौकरियां मिल सकती है, पहले ही बहुत लगी है दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत सी नौकरी बहुत डॉक्टर कबीर कादन ने दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा ने काफी रोजगार दिया गांव में और आगे भी लोग इनसे आस रख रहे हैं ये कि अगर ये सरकार में आते हैं तो और भी रोजगार मिल रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन में माजरा गाँव से दीपेंद्र हुड्डा को कितनी वोट मिली और यहाँ कुल कितनी वोट? कुल यहाँ 7,500 के आसपास वोट है भाई साहब, तो 51 के आसपास पोलिंग हुई थी और दीपेंद्र हुड्डा को मिली उनमें 3700 के आसपास वोट, 1300-1350 वोट बीजेपी को गई और 2300 वोटों के मार्जिन से दीपेंद्र हुड्डा माजरा गांव से जीत के निकले। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमें बिना खर्चे पर्चे नौकरी दी है युवाओं को, दी कहाँ है फिर ये तो बताओ, गांव में 5-7 बालक जब लायक भी गया 10 साल में तो के माने रखे बताओ, ग्रुप डी से लाओ इन्होंने कोई भर्ती करी होगा बताओ, ई बी ओ कौशल रोजगार में लाओ हैं 18,000 रुपया में कच्चा, इन बड़का ने पक्का लाओ भाई किसी का भी लागो, ये कोई जरूरी थोड़ी आपका लाग गया मेरा लाग गया, गांव में तो किसा बाड़क लाग गया ठीक, फौज सवा 4 साल की बना दी अग्निवीर के मतलब होया भाई, ये एक मतलब सुची जगह है देश का जवान मरने मिटने के तवा। खिलाड़ियों के लिए कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है कि बीजेपी अच्छी है या अदर कोई? भाई कांग्रेस अच्छी थी, डीएसपी ताई की रैंक की नौकरी दी उड्डा ने, इनने की करे कांग्रेस बीजेपी नहीं है स्पोर्ट्स के लिए, उड्डा उड्डान किया है सबसे अलग काम खिलाड़ियों के लिए, उड्डा भी तो कांग्रेस में ही नहीं, हम कांग्रेस को जानते ही नहीं, हम तो उड्डान दीपेंद्र उड्डान इन्होंने आगे किया खेल के लिए बहुत बढ़िया।